क्या बात है भाई। भाई सुनिए ना, मैं कह रहा था कि अब इतना सब शोर शराबा हो चुका है, आपके और केआरके के बीच में पूरी जंग से चल रही है और आप सॉन्ग भी बना रहे हैं। सॉन्ग बना रहे हैं, देखो ये है हमारे प्यारे म्यूजिक डायरेक्टर। और रही बात जंग की, तो जंग के लिए सामने वाले का लेवल उतना होना चाहिए। मैं जंग उससे करता हूँ जिसके बाद पहले थोड़ा मेरे इर्द गिर्द हो, बट मेरी तरफ से लड़ाई है ही नहीं, बिकॉज ही इज़ लाइक माई सन, ही इज़ लाइक माई बेटा। आई ऑलवेज मैं हमेशा अनाउंस करता हूँ। यार फिलहाल हमने गाना अभी मेरे स्टूडियो से बाहर ही आ रहे थे, माइंड ब्लोइंग सॉन्ग है। सो तोशी क्या बोलोगे गाने के बारे में? ये कमर्शियल गाना है, और जैसे कि हम लोगों ने पहले भी कई बार काम किया है, मिक्का भाई के साथ फिल्म का म्यूजिक किया है, और भी गाने हम साथ में कर रहे हैं, तो हमारे कई सारे गाने मिक्का भाई के पास ऑलरेडी होते हैं। तो एक गाना जो उनको बड़ा पसंद था, इन्होंने कहा कि ये गाना मैं यूज़ करना चाहता हूँ। मैं बोला भाई आपके गाने हैं, आपने गाने की ट्यून पसंद थी, गाने की लिरिक्स हमने नए लिरिक्स लिखे हैं, जो भी राइटर उन्होंने लिखे हैं, और ये बड़ा कमर्शियल गाना है। और ये एक ऐसा गाना है कि जो मतलब कोई भी इंसान अगर किसी के साथ किसी ने कुछ गलत किया है, जैसे कि आजकल आम फेम है कि लड़के लड़कियाँ आपस में धोखेबाजियाँ होती है, डिच होता है, ये होता है, वो होता है, तो वो सब समझ के एक एक गाने का एक कमर्शियल एंगल है। बाकी तो भाई कमर्शियल गाना है, मतलब पार्टी नंबर है, फूड टैपिंग गाना है, डिस्को में भी बजेगा। हालांकि इनको फोन भी आया है स्पेशल कि भाई आप कि आप ये गाना बना रहे हैं, तो हाँ जी, तो इनको स्पेशली केआरके का फोन आया कि आप लोग गाना बना रहे हो। तो तोशीबा का जवाब यही था कि हाँ ये बना रहे हैं, बिकॉज इनका काम म्यूजिक है। इनको कोई भी प्रोड्यूसर बोलेगा, चाहे इनके साथ इनका दुश्मन हो दोस्त हो, दे हैव टू वर्क। और वैसे ही लॉकडाउन में आजकल काम बहुत कम है, उस दौरान पे इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि हम गाना बनाएं, व्हाई नॉट। एंड तोशी का काम है मेलोडी का, बीट का काम है हमारे शारिफ भाई का। तो शारिफ बस यही कहना चाहूँगा कि गाने से जो हम लोग ने जो दिमाग में रख के बनाया है कि ये इसका ये गाना किसी के पर्सनली किसी के लिए नहीं है, सबके लिए गाना है। बहुत बार आती है ऐसी सिचुएशन कि हम किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, डायरेक्टली नहीं बोलते तो हम गाने के जरिए बोल देते हैं, तो ये उस तरह की बात है। और हमारा काम म्यूजिक बनाना है, हमने म्यूजिक बनाया है, लोग परेशान हैं लॉकडाउन से, पैनेडेमिक से, तो लोगों को एंटरटेन करने की जो कोशिश हमारी रही है हमेशा, ये भी वही कोशिश है जी। हो गया भी किसी को सबक सिखाना, और वो भी इतना कमर्शियल लेवल पे, वो कैसे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम सुनने में ये भी आया है कि आपके ऑफिस के नेक्स्ट मेरे ख्याल केआरके का ऑफिस, आई कैन सी दैट। हां ये मेरा स्टूडियो है, जो देखो माशाल्लाह लिखा हुआ है म्यूजिक एंड साउंड एमएस स्टूडियो, तो यही मैं आपको लेके चलता हूँ, आइए आइए। हमें सुनने में ये भी आया है कि आपके घर से केआरके ने अपना घर भेज दिया। बिल्कुल, देखो यार मैं इसके घर के सामने खड़ा हूँ, ये इसका घर था जहाँ पे पहले लिखा होता था केआरके। अभी मैं नहीं बोलूँगा मेरे डर से भागा है या भगवान जाने क्या उसकी पर्सनल प्रॉब्लम रही है, बट अभी उसने यहाँ से बोर्ड भी हटा दिया। एंड देख भाई मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पे छाती चौड़ी करके खड़ा हूँ, तू जहाँ कहेगा वहाँ मिल लेता हूँ, बिकॉज तू सारी उम्र मेरा बेटा ही रहेगा, मेरी तरफ से कोई लड़ाई नहीं है, बिकॉज तू यू आर माई सन। तेरे घर के सामने खड़ा हूँ, तूने अपने ये बेच दिया है, अब तेरे और जितने घर हैं वो मत बेचना, क्योंकि मेरी तेरे से पर्सनली दुश्मनी नहीं, मेरी तेरे से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे से डर मत, मैं तेरे को मारूंगा नहीं, पीटूंगा नहीं, बट यू आर माई सन। देखो सबक सिखाना था, इतना बड़ा सबक नहीं सिखाना कि तू अपना घर बेच के चले जा, आफ्टर ऑल यू आर माई पड़ोसी। तो अगर जब भी मुझे भूख लगती है तो मैं यू नो आऊँगा तो तेरे पास ही चाय वाय पीने, तो वापस आ जा, डर मत। गाना इंशाल्लाह जब ये मुझे मिक्स करके दे देंगे, बिकॉज दे आर माय फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर। मिक्सिंग पे काम चल रहा है, फाइनल स्टेज पे है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी 3-4 दिन में ही गाना हम लोग बाहर निकाल देंगे। शूट भी थोड़ा हो चुका है, थोड़ा सा पार्ट बाकी है, वो शूट करके बहुत जल्दी गाना आ जाए। हालांकि मैं चाहता था ये दो हैंडसम मॉडल मेरे वीडियो में आए, बट ये बोलते यार हमारा काम म्यूजिक है, अगर इनका मूड बनेगा तो वीडियो में आ जाए। हुकलाइन वेरी सिंपल है, कुत्ता, और जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई, आपको हैशटैग केआरके कुत्ता बनाना है, लेकिन आपको जो वीडियो बनानी है जो आप मुझे इंस्टा पे टैग कर सकते हो, आपने सिर्फ यूँ कैमरे में देख के बोलना है कुत्ता 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 कुत्ते का बच्चा, इतना करना है। आप मुझे टैग कर दो, मैं अपने वीडियो में आप सबके यू नो शॉर्ट्स डाल दूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।